F-16 पर पाकिस्तान की पैंट तरह की पड़ताल कर रहा अमेरिका। पाकिस्तान द्वारा F-16 लड़ाकू विमान पर पैंतरेबाजी की अमेरिका पड़ताल कर रहा है। भारतीय सेना ने बताया है कि पाकिस्तान ने बुधवार को भारतीय रक्षा प्रतिष्ठानों को निशाना बनाने के लिए F-16 का इस्तेमाल किया था, जबकि पाकिस्तान इससे इनकार कर रहा है। भारत की तीनों सेनाओं के उच्च अधिकारियों ने गुरुवार को रक्षा प्रतिष्ठान पर किए गए हमले में F-16 के शामिल होने के सबूत पेश किए हैं। गौरतलब है कि पाकिस्तान F-16 पर अमेरिकी करार की शर्तों की वजह से इस मामले में लगातार झूठ बोल रहा है। अमेरिकी शर्तों के मुताबिक पाकिस्तान आतंकी अभियानों और अपने बचाव में ही F-16 का इस्तेमाल कर सकता है, न कि भड़काऊ गतिविधियों के लिए। वहीं भारतीय सेना के अधिकारियों ने बताया कि पाकिस्तान ने राजौरी में कई AIM-120C मिसाइल दागी थी, जिसे MRAM मिसाइल भी कहा जाता है। वायुसेना ने इस मिसाइल के टुकड़े मीडिया को दिखाते हुए कहा कि यह मिसाइल पाकिस्तान के सिर्फ F-16 विमानों में ही इस्तेमाल होती है, इसलिए उसका दावा झूठा है। अमेरिका के विदेश विभाग के अधिकारी से जब हिंदुस्तान ने पूछा कि क्या पाकिस्तान ने भारत के खिलाफ F-16 से हवा में मार्च करने वाली मिसाइल का इस्तेमाल कर रक्षा खरीद समझौतों की शर्तों का उल्लंघन किया है, इस पर उन्होंने कहा कि हमें रिपोर्ट की जानकारी है और हम इसका बारीकी से अध्ययन कर रहे हैं। अमेरिकी सांसदों ने 2016 में ओबामा प्रशासन द्वारा पाकिस्तान को 8 F-16 लड़ाकू विमान बेचे जाने पर रोक लगा दी थी। अमेरिकी सांसदों को डर था कि पाकिस्तान इन विमानों को इस्तेमाल भारत के खिलाफ कर सकता है। पेंटागन की रक्षा सुरक्षा और सहयोग एजेंसी DSEA के अनुसार पाकिस्तान को इन विमानों को आतंकवाद रोधी और आतंकवाद निरोधी कार्यों के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए दिया जाना था। DSEA वह विभाग है जो अमेरिकी सैन्य उपकरणों की बिक्री की देखरेख करता है।